नमस्ते बढ़िया सदा खुश रहो बढ़िया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, ह्यूमन साइंस इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। टुडे वी डिस्कस अबाउट मूलकम। मूलकम या मूलक, ठीक है, बॉटनिकल नेम रेफिनस सैटाइवस। सभी ने देखा होगा मूलक, रेफिनस सैटाइवस, फैमिली कुर्सीपेरी, कुल राजी का कुल, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, रेफिनस सैटाइवस और फैमिली कुर्सी फेरी। हिंदी में क्या कहते हैं अपन इसको, मूली। सबने देखिए ना मूली, इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं इसको। भेद वेराइटीज देखें अपन तो भाव प्रकाश हैज मेंशन टू वेराइटीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रूट, लघु एंड बृहद, यानी छोटी मूली बड़ी मूली। हैबिटेट, उत्पत्ति स्थान, लार्जली कल्टिवेटेड इन प्लेन्स ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, आल्सो ऑन द हिमालयस, ठीक है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है, लार्जली कल्टिवेटेड इन प्लेन्स ड्यूरिंग द कोल्ड, ठीक है, सर्दी में अपने यहाँ सभी उगाते हैं इसको। सीजन ऑल्सो ऑन द हिमालय, और हिमालय प्लेन में भी और हिमालय में भी। हैबिट देखिए इसका स्वरूप, कोर्स रफ और ग्लैबरस एनुअल और बायनियल लीव्स, लाइलेक फ्लावर्स लार्ज इन लॉन्ग एम्ब्रिकेटेड रेसिम्स, कोर्स इंडेसिसेंट लॉन्गेट एंड कोरेसियस सीड्स, पेंडुलस एंड ग्लोबोस। उपयुक्त अंग इसकी मूली यूज कहती है, मूली खाते हो आप लोग। मूली प्रॉपर्टीज देखें इसकी, तो रस इसका कैसा होता है, कटोरस, ठीक है, कटोरस है। वीर इसका उष्ण है। गुण इसका लघु, गुरु और तीक्ष्ण, ठीक है, और विपाक है कटु। दोष कमता देखें तो दोष होती है मूली। रोगग्न कमता देखें, रोगनाशकता देखें, रोगग्न कमता, फार्मकोजिलेक्शन। लघु मूल देखें तो रुच्य है, पाचक है, त्रिदोष हर है, स्वर्य है, ज्वरग्न है, श्वासग्न है, एंड नासा कंठ और नेत्र रोगग्न है, ठीक है। यहाँ लघु से मतलब बिल्कुल कच्ची मूली है, ठीक है। तो लघु मूल रुच्य, पाचक, त्रिदोष हर है, स्वर्य है, ज्वरग्न है, श्वासग्न है, नासा कंठ और नेत्र रोगों का नाश करने वाली। ब्रत मूलक बिगर वेराइटी रुक्ष और गुरु है, ठीक है। रोग निवारण कर्म देखें इसका, थेरेप्यूटिक वैल्यूज देखें तो द मैच्योर्ड मूलक इज दोषहर, वाइल द इमैच्योर्ड मूलक इज दोषकार। द सोरस ऑफ द लीव्स मूत्रल मृदु विरेचन, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, वैसे जो कच्ची मूलक है वो त्रिदोषहर होती है, पकावा मूली त्रिदोषकर होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर है, ये मोर करके यही होगा। द स्वरस ऑफ द लीव्स मूत्रल मृदु विरेचक, ठीक है। स्वरस अगर लीव्स का देखिए तो मूत्रल होता है, मृदु विरेचक भी होता है। द सीड्स आर यूज इन कफज डिजीज, जो इसके बीज हैं वो किसमें काम में आते हैं, कफज डिजीज के अंदर, कफज रोगों के अंदर इसके सीड्स काम में लिए जाते हैं। फोर पाचन मूत्रकृच मन मलबद्धता, किस किस में, फोर पाचन मूत्रकृचता और मलबद्धता के अंदर। मात्रा देखें तो स्वरस इसका 20 से 50 ml तक प्रयोग में लाया जाता है। स्वरस अगर मूलक का लेना है तो 20 से 50 ml तक, बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक, और क्वाथ इसका 50 से 100 ml तक। स्वरस 20 से 50 ml, बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम, क्वाथ इसका 50 से 100 ml तक। अब क्लासिकल रेफरेंस देखेंगे, भाव प्रकाश निघंटू सेज अबाउट मूलक, मूलकम द्विविधम प्रोक्तम, तत्रैकम लघु मूलकम, शालाम शाला मर्कटम विस्तृ शाले मरुसंभव, चाणक्य मूलकम तीक्ष्णम तथा मूल कपोटिका, नेपाल मूलकम च अन्य उद्भव तेज वज्र दंतवत, लघु मूलम कठु उष्णम शात रुच्यम लघु पाचनम, दोष त्रय हरम स्वर्यम ज्वर श्वास विनाशनम, नाशिका कंठ रोगनम नय नयन आमे नाशनम, महत देव रुक्षु उष्णम गुरु दोष त्रय प्रदम स्नेह सिद्धम तदेव श्याद दोष त्रय विनाशनम, ठीक है। ऐसे ही चरक सूत्र स्थान 27 में कहते हैं, बाल दोष हरम वृद्धम त्रिदोष मारुताकरण, बाल दोष हरम वृद्धम त्रिदोषम मारुताकरण, कि जो बाल मूली होती है, कच्ची मूली होती है वो दोष हरने वाली होती है, और जो वृद्ध होती है, पकी हुई मूली होती है वो त्रिदोष करने वाली होती है, मारुताकरण। स्नेह सिद्धम विशुद्धम तू मूलकम कपवाजित, स्नेह से सिद्ध विशुष्ट मूलक है वो कपवाजित होती है। सो दिस इज द ऑल अबाउट मूलक, and it is an important topic, you should learn this topic. Now we discuss about Tilparni. Tilparni, Gynandrorhabdus gynandra. The botanical name of Tilparni is Gynandrorhabdus
गाइनेंड्रोट्रॉपस, गाइनेंड्रा, सिनोनिम्स गाइनेंड्रोपस पेंटापिला और फैमिलीज की है कैपरिडेसी, ठीक है, आपको नाम याद रखना है गाइनेंड्रोट्रॉपस गाइनेंड्रा और उसकी फैमिली कैपरिडेसी, ठीक है, कुल इसका वरुण कुल कहलाएगा, वरुण कुल, ठीक है, कैपरिडेसी फैमिली। हिंदी हुरहुर भी कह देते हैं, हुलहुल भी कह देते हैं, तिलपनी भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको डॉग मस्टर्ड बोलते हैं, डॉग मस्टर्ड। इसके बारे में लिखा है कि द ड्रग सुवर्चला इज नॉन एज हुरहुर इन हिंदी। टू वेराइटीज हैव बीन मैंशनड बाई भावप्रकाश डिपेंडिंग ऑन द कलर एज स्वीट एंड टी। बॉटनिकली द वाइट वेराइटी इज आइडेंटिफाइड एज गाइनेंड्रोपिस गाइनेंड्रा एंड द येलो वेराइटी एज क्लियोम विस्कोसा। सम स्कॉलर्स बिकॉज ऑफ उग्रगंधा टेक दिस प्लांट इन द नेम ऑफ उग्रगंधा एंड अजगंधा। द मराठी नेम इज तिलवना, देयरफॉर इट इज डाउटफुल फ्रॉम दिस नेम तिलपर्णी माइट हैव इवॉल्व्ड। तिलपर्णी विच इज मेंशन्ड इन डीएमएस सीसीएम सिलेबस इन हिंदी इज हुरहुर और सुवर्चला ऑफ भावप्रकाश निगट्टू इज टेक एज तिलपर्णी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हैबिट देखें, उत्पत्ति स्थान इसका देखें, ए कॉमन वीड इन ऑल ट्रॉपिकल रीजन फ्लॉरिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है, उत्पत्ति स्थान ए कॉमन वीड इन ऑल ट्रॉपिकल रीजन फ्लॉरिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। हैबिट देखें, इसका स्वरूप देखें तो इरेक्ट ब्रांचिंग ग्लैंड प्यूबेसेंट 1 to 3 feet हाई, लीव्स 5 foliage, लीव्स इसकी 5 foliage है एंड लीफलेट्स 1 to 2 inches सेसाइल ब्रॉडली ओवेज। फ्लावर्स इन कॉरम्स अबाउट 1/2 inches डायमीटर वाइट और पर्पलिश, कैप्सूल 2 to 4 inches रेयरली ग्लैब्रस स्ट्रिएटेड। उपयुक्त अंग पार्ट यूज बीज पत्र एंड मूल, उपयुक्त अंग पार्ट यूज बीज पत्र और मूल। प्रॉपर्टीज, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गाइनेंड्रोपस गाइनेंड्रा, तिलपर्णी रस इज मधुर कटु, ठीक है, और वीर्य इज शीत। गुण रुक्ष गुरु एंड विपाक इज मधुर, रिपीट वंस अगेन, रस इज मधुर कटु, वीर्य इज शीत, गुण रुक्ष गुरु विपाक इज मधुर। एंड दोष कमता कफ वात शमक, तिलपर्णी दोष कमता इज कफ वात शमक। रोगन कर्मता और रोगनाशकता और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये विष्टम्बक है, ठीक है, कफग्न है एंड दाह जनक है, ठीक है, दीपन है, पाचन है और स्वेद जनन है, ठीक है, तो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। नाउ थेरेप्यूटिक वैल्यूज, रोग निवारण कर्मता, दिस बीज इज यूजफुल एज दीपन पाचन इन कृमि, मूल इज यूज एज उत्तेजक एंड इन ज्वर, ठीक है, लीव यूजफुल इन एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन प्रॉपर, ठीक है, दो तरह से बता दिया, बीज इज यूजफुल इन डीपन पाचन इन कृमि, मूल इज यूज एज उत्तेजक एंड इन ज्वर, लीव यूजफुल एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन प्रॉपर। दिस इज द रोग निवारण का थेरेप्यूटिक वैल्यूज ऑफ तिलपर्णी गाइनेंड्रोपस गाइनेंड्रा। अगर इसकी मात्रा देखें अपन, मात्रा बीज चूर्ण इसका 1 to 2 gram तक लेना है एंड पत्र स्वरस इसका 5 to 10 ml तक। मूल चूर्ण है वो इसका 1 to 3 gram तक, मूल चूर्ण 1 to 3 gram तक। देन क्लासिकल रेफरेंस भावप्रकाश निघंटु सेज अबाउट तिलपर्णी, सुवर्चला सूर्य भक्ता वरदा भद्रा अपीच सुवर्चला हिमा रुक्षा स्वादु पाका सरा गुरु ए पित्तला कटु शारा विस्तंभ कफ वाचि। दिस इज भावप्रकाश निघंटु रेफरेंस। एंड राजनिघंटु सेज अबाउट सुवर्चला और तिलपर्णी, अजगंधा कटु उष्णा श्यात गुल्मो उधरापहा कर्ण वर्ण अर्ति शूलग्नि कृमिग्नि च ज्वरा च ज्वरापह। दिस इज ऑल अबाउट तिलपर्णी गाइनेंड्रोपस गाइनेंड्रा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस टॉपिक फॉर योर डीएमएस सिलेबस एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट हिमस्रा, नाउ वी डिस्कस अबाउट हिमस्रा। बॉटनिकल नेम ऑफ हिमस्रा इज कैपरिस सेपरिया, बॉटनिकल नेम ऑफ हिमस्रा इज कैपरिस सेपरिया एंड फैमिली इज कैपरिडेसी, फैमिली इज कैपरिडेसी ऑफ हिमस्रा एंड कुल अपन वरुण कुल में ही रखते हैं इसको, तो आपको ये ध्यान रखना है हिमस्रा का नाम क्या है, कैपरिस सेपरिया, फैमिली इज कैपरिडेसी, कुल वरुण कुल। हिंदी में हिंसा या कारिल अपन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, हिंसा और कारिल। इंग्लिश में कैपर प्लांट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपर प्लांट, ठीक है। देयर इज सम कॉन्ट्रावर्सी रिगार्डिंग हिमस्रा, प्रियव्रत शर्मा जी रेफर्स इट एज गृधनखी, प्रियव्रत शर्मा जी ने इसको गृधनखी बोला एंड अंबिका दास शास्त्री रेफर इट एज बद्र वृक्ष, बदर वृक्ष,
एंड शब्द कल्प ध्रुव मेंशन इट इज विक्र कंटक अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश निगंटू वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ बदर वृक्ष इज कोलम हिंसरा इज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द ड्रग इन कंटक पंचमूल बाय शुश्रुत डलहन ऑल्सो मेंशन हिंसरा एंड अहिंसरा हैबिटेट उत्पत्ति स्थान डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया फ्लावर्स इन मे फ्रूट रिपल्स इन जुलाई हैबिटेट उत्पत्ति स्थान डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया फ्लावर्स इन मे फ्रूट रिपल इन जुलाई हैबिट स्वरूप ए मॉडरेट साइज स्प्रेडिंग श्रब Sometimes climbing branches, numerous, tough and wiry, thorns recurved, leaves 3 by 4 to 1 by 2 inches long, ovate, oblong or oblong lanceolate, flowers 1 by 3 to 1 by 2 inches diameter, white in many flowered umbels, berry 1 by 2 inches in diameter, one seeded, black, when ripe. ठीक है तो फिर उस अंग देखे इसके इंसरा के तो मूल और पत्र इंसरा के जो गुप्त अंग है वो है मूल एंड पत्र नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसरा फर्स्ट इज रस रस कटु एंड थिक इंसरा का रस कटु एंड थिक वीर्य इज उष्ण वीर्य उष्ण है इसका गुण लघु रूप है और विपाक इसका कटु है रस क्या है कटु थिक है इसका वीर्य उष्ण है गुण लघु रूप है विपाक कटु है दोष कमता कफवा शमक है दोष कमता देखें इसकी तो कफवा शमक है और रोग रोगन कमता शोधन है दीपन है रुच्य है और रक्त ग्रंथि ठीक है ये रोगन कमता और रोगनाशक है रोग निवारण कर्म यूजफुल इन श्लीपद ठीक है कौन कौन से रोगों में काम आएगा श्लीपद में योनि रोगों में ग्रंथि में शोथ में और शुक्र दोष में इंसरा इसमें श्लीपद में और योनि रोगों में और ग्रंथि में शोथ में और शुक्र दोष में नाउ लेट्स डिस्कस द डोज इसका 50 से 100 मिनट तक देते हैं ठीक है तो इसका जो उपयुक्त अंग था पार्ट यूज था वो क्या था मूल और पत्र तो इसकी मात्रा क्वाथ की 50 से 100 मिनट तक देंगे सुश्रुत सूत्र स्थान क्लासिकल रेफरेंस में इसका मेंशन करते हैं कि कर्मद त्रिकंटक से शतावरी गृधनगी थी त्रिकंटक से त्रिकंटक हो गया जो कंटक पंचमूल बताइए उसमें इसको मेंशन किया राजनिकंटू कहते हैं कंथारी कठु पित्तो उष्णा कफ वात निकलंतनी शोपग्नि दीपनी रुचा रक्त ग्रंथि रुझापा ठीक है दिस इज अ क्लासिकल रेफरेंस नाउ वी डिस्कस अबाउट व्याघ्रनखी व्याघ्रनखी कैपरस गैलेंटा और सिनोनिम्स में कैपरस हॉरिडा हॉरिडा ठीक है कैपरस गैलेंटा आप याद कर लेना हिंदी में करुआ बोलते हैं इसको ठीक है हैबिटेट उत्पत्ति स्थान थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया फ्लावर्स फ्रॉम फरवरी टू मई फ्रूट इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर ठीक हैबिटेट उत्पत्ति स्थान थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया फ्लावर्स फ्रॉम फरवरी टू मई एंड फ्रूट इन अगस्त टू सेप्टेम्बर हैबिट देखें इसका स्वरूप देखें ए क्लाइंबिक श्रब थॉर्न्स रिकवर्ड लैटरली कंप्रेस्ड लीव्स वन एंड हाफ टू टू इंचेस लॉन्ग ओवेट शाइनिंग अबव फ्लावर्स वन एंड हाफ टू टू इंचेस अक्रॉस वाइट फ्रूट वन टू वन बाई टू इंचेस डायमीटर रेडिश ब्राउन मैनी सीरियल उपयुक्त अंग देखें तो इसका मूल होता है ठीक है गृधनखी व्याघ्रनखी ठीक है इसका जो उपयुक्त अंग है वो मूल है ठीक है हिंसा को अपन गृहनखी भी कह रहे थे ठीक है और ये व्याघ्रनखी है तो इसका मूल काम में लेना है प्रॉपर्टीज ऑफ व्याघ्रनखी रस कटु थिक वीर्य रूक्ष्म गुण इज रुक्ष लघु एंड विपाक इज कटु ठीक है रस क्या है इसका कटु थिक रस इज कटु थिक वीर्य रूक्ष्म गुण इज और रुक्ष लघु एंड विपाक इज कटु दोष कमता देखें तो कफ पित्त शामक है दोष कमता कफ पित्त शामक रोगम कमता दीपन शोथन ग्रंथि रोग है और रुचि है दीपन है शोथन है ग्रंथि रोग है और रुचि है
रोग निवारण तंत्र देखें तो यूजफुल इन वात शोथ अग्निमांडे ग्रंथि हृदय रोग, और मात्रा देखें इसकी तो 50 से 100 ml तक देना है। राजनिगंठ सेज अबाउट व्याकरण की गांधारी कटु तिक्त उष्णा कफ वात निक्रंतनी शोपग्नि दीपनि रुच्य रक्त ग्रंथि रुजापा। दिस इज ऑल अबाउट व्याकरण की। सो टुडे वी डिस्कस फोर टॉपिक्स। फर्स्ट इज मूलक एंड second is tilparni and the third is insra and fourth is vyakarnati. So you should learn four topics today briefly. I hope you all are satisfied with this session. Today's session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.